नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लाल कुआं के निकटवर्ती क्षेत्र बिंदुखत्ता के कार रोड में एक निजी संस्था द्वारा महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें की जिले के पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव एवं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव का कहना था कि महिलाओं को जागरूक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक उन्हें अपने अधिकारों का पता नहीं होगा, उनके साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने में पुलिस सक्षम नहीं हो पाएगी। महिलाओं को समाज में हो रहे उनके प्रति अन्याय को रोकने के लिए खुद ही सजग और मजबूत होना पड़ेगा, तभी जाकर पुलिस प्रशासन उनकी मदद कर पाएगा, क्योंकि जब तक पुलिस को अपराध की विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी तो वह कार्यवाही नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने बताया कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वह घर से लेकर समाज के हर कोने में पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। अगर समाज में सभी लोग अपने दायित्व का निर्वाह करें और महिलाओं को समाज में बराबर का सम्मान दे तो उनके प्रति हो रहे अत्याचारों में बेशक कमी आएगी। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंची छात्राओं ने इस तरह के कार्यक्रम को बहुत आवश्यक बताया। उनका कहना था कि इस तरह के आयोजनों से महिलाओं का मनोबल बढ़ता है और उनमें अपने आत्मसम्मान के प्रति लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। लाल कुआं से उमेश सिंह राणा की रिपोर्ट। आज एक पहल प्रोग्राम आयोजित किया गया है इसके संचालकों के द्वारा। काफ़ी मात्रा में जो है हमारी यंगस्टर्स, महिलाएं, लड़कियां, ये सब उपस्थित थीं। खासतौर से महिलाओं को आत्मसुरक्षा कैसे, उसमें जागरूक हों और अगर कोई उनके साथ बदसलूकी होती है या कोई ईव टीजिंग की घटना है तो ऐसी स्थिति में वो किस प्रकार से रिएक्शन करें, पुलिस की कैसे मदद ले सकती हैं, पब्लिक की कैसे मदद ले सकती हैं, इन विषयों पर एक अच्छी एक संगोष्ठी आयोजित की। बच्चों के द्वारा भी इसमें प्रस्तुति अपनी करी गई, अपने क्वेश्चंस पूछे गए और हम लोग के द्वारा भी इसमें उनको समाधान लिया गया है। द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया, मैं इनकी पहल का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सराहनीय पहल है और IICT जो उनका संस्थान है एक बहुत अच्छे कार्यक्रम चला रहे हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जो महिलाओं की जागरूकता का कार्यक्रम है, हम सब लोग अपने परिवारों में अपने बेटों को, पुरुषों को एक संस्कार देने का जो काम है परिवार से शुरू करें। आखिर ये समस्या जो हमारे बहनों का उत्पीड़न होता ही होता है, ये पुरुषों द्वारा है, इसलिए अगर हमारे परंपरा में पुरुष ही ठीक हो जाएंगे तो ये समस्याएं का समाधान भी हो जाएगा। और हमने बेटियों से कहा है, बिल्कुल आप हमारा गौरव है। ये हमारे क्षेत्र में हमने पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कराया जिसको हम नाम दिया पहल, क्योंकि इसकी शुरुआत ही पहली बार हम लोगों ने की यहाँ पर। वो ये प्रोग्राम था ताकि महिलाएँ जो हैं, लड़कियाँ जो कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं और इंस्टीट्यूट जा रही हैं, वो अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हों और अगर उनके साथ कोई रास्ते में कोई अनहोनी होती है तो किस तरीके का सेल्फ डिफेंस करना है या अपनी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकती हैं, इस बारे में उनको जागरूक कराया गया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमचंद मिश्रा है, मैं सेंटर हेड IICT हूँ। आपको क्या संदेश देना चाहती हैं? पहले तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक प्रोग्राम कराया गया है पहल, जो हमारे लिए है। इस लोकल एरिया में पहली बार ऐसा कोई प्रोग्राम कराया गया है जो हमें इतना मोटिवेट कर रहा है, हमें इतना सपोर्ट कर रहा है, तो इसके लिए तो हम इसके ऑर्गेनाइजर्स को बहुत थैंक यू बोलते हैं कि उन लोगों ने हमें ये चांस दिया कि हम यहाँ आएँ और देखें। उन लोगों ने इतने सारे प्रोग्राम्स कराए जिसमें हमें बताया गया कि गर्ल्स केवल हमेशा चुप रह के कुछ नहीं हो सकता है, हमें बोलना चाहिए, हमेशा बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे तो दब के कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे सारे चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने हमें बताया, प्रदीप सर ने बताया और मैम ने बताया, राजकुमारी मैम ने हमें अपना नंबर तक शेयर करा कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं और कभी भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर हमें ऐसा कोई चीज़ हो रही है तो हमें उसका डट के सामना करना चाहिए।